से यूएन ऑफिसर Check mic 1 2 3 4 5. बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय। आप सबको मालूम है कि आज 22 अक्टूबर के उस काले दिन के काले सच को जम्मू कश्मीर की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए मैं आप सभी का, जितने यहाँ नागरिक उपस्थित हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, भाई बहन हैं, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है महिला गुरिल्ला सेना की प्रमुख मेंबर श्रीमती कांता वजीर जी ने बारामूला से श्रीनगर आ रही हमारी बच्चियों बहनों पर जो जुल्म हुआ था उसके बारे में एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को यह जानना और बताना जरूरी है कि किस तरह से पड़ोसी देश के हुक्मरान और फौज ने ऑपरेशन गुलमर्ग के जरिए हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया था। नई पीढ़ी के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि सर्वधर्म संभाव, बेपनाह मोहब्बत संतों सूफी फकीरों की इस मिट्टी को पड़ोसी देश के फौज के आकाओं और उनके रहनुमाओं ने किस प्रकार 22 अक्टूबर के काले दिन मासूमों के खून से रंग दिया था। युवा पीढ़ी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि पड़ोसी देश की फौज और उसकी आतंकी टीम ने सदियों से एक धागे में बंधे हुए हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे के बीच नफरत के बीज बोने का काम किया था। सामूहिक संकल्प के साथ यहाँ की आवाम ने दिया था, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। मुझे लगता है कि आज फिर से उसकी जरूरत है। ये हमारे सामाजिक नैतिक मूल्य हैं जिन्हें संभालना जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी का दायित्व है। 75 साल से ये झूठा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बर्बर हमलावर आतंकी सिर्फ पश्तून ट्राइबल थे, कबायली थे, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। नौजवान साथियों, नागरिक भाइयों बहनों, आपको नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर और कश्मीरियत पर 22 अक्टूबर को जो घाव दिए गए थे उसके पीछे पूरा का पूरा पड़ोसी देश का प्रशासन था, उसकी फौज थी। हमें 22 अक्टूबर की वह सुबह भी नहीं भूलनी चाहिए जब पाकिस्तानी फौज और उसके प्रॉक्सीज ने गढ़ी हबीबुल्ला को क्रॉस करके मुजफ्फराबाद पर हमला किया था। साथियों, हम महावीर चक्र से सम्मानित वीर योद्धा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कश्मीरी आवाम और उसकी आबरू बचाने के लिए मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ दुश्मन को 4 दिन तक रोके रखा और अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने देश की सेवा करते हुए, जम्मू कश्मीर के मान सम्मान की रक्षा करते हुए, हमारी माताओं बहनों की अस्मत बचाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज का दिन ऐसे लोगों को याद करने का दिन है। भारत सरकार के कश्मीर पर प्रकाशित व्हाइट पेपर में लिखा है
कि कत्ल और जुर्म की दरिंदगी के चलते 26 अक्टूबर को बारामूला वे पहुंच गए थे। आर्मी के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर एम एन प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा है, हिंदूज मुस्लिम्स एंड सिक्स वेर हंटेड डाउन एंड किल, देयर हाउसेस लूटेड एंड देन बर्न्ड, यंग वीमेन वेर फोर्सिबली अबडक्टेड एंड कैरिड ऑफ विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कलर कास्ट और क्रीड टू बी सोल्ड लाइक कैटल इन द स्ट्रीट्स ऑफ रावलपिंडी एंड पेशावर और टू लिव एंड डाई एज स्लेव्स इन द माउंटेन। द इनहिबिटेंट्स हिंदू सिक्स एंड मुस्लिम्स अलाइक लेफ्ट ऑल देयर अर्ली पोजेशंस एंड फ्लेड टू द हिल्स। साथियों, जब ये बर्बरता का आलम चल रहा था तब इसके खिलाफ हमारे बहादुर नौजवान जिनका जन्म बारामूला में हुआ था, मकबूल शेरवानी ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उनको भरे चौराहे पर गोलियों से भून दिया गया था। बारामूला नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, देश के हीरो मकबूल की शहादत पड़ोसी देश के सालों से चलाए जा रहे जिहाद के प्रोपगंडा को बेनकाब करती है। 22 अक्टूबर के काले दिवस पर सालों से फैलाई जा रही भ्रांतियों को तोड़ने के साथ साथ पड़ोसी देश और उसके इशारे पर काम करने वाले लोगों के मुंह से नकाब उतारना आवश्यक है। संपूर्ण इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करना भी जरूरी है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं शायद उनको अंदाज नहीं है बड़ी गलती की है और ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। और इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हमने एक फैसला किया था कि ऐसे सभी महान विभूतियों जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपना बलिदान किया है उनकी स्मृति नई पीढ़ी में जिंदा की जाए। इसलिए अनेक सड़कों और भवनों का नाम ऐसे शहीदों के नाम से रखा जाएगा। देखिए, हमने आज वो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे 1947 में जो कबालियों ने यहाँ पे एक जबरी कब्जा किया था, उस दौरान हमारे बहुत जवान ने अपनी जान की शहादत दे दी है, अपनी जान को बलिदान किया है। आज हमने उस दिन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के साइकिल में अपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और उस चीज़ को हम कंडम करते हैं। देखिए, आज के प्रोग्राम का ये मकसद है कि जब 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने यहाँ पे कबायली बेच के हमारे माओं बहनों के साथ बुजुर्गों के साथ असमत रेजी की, यहाँ पे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उस दिन को आज एक हम ब्लैक डे की सूरत में हमारा मुल्क मनाता है, तो ये एक सिंबॉलिक डे होता है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से उस टाइम मकबूल भट साहब ने अपनी शहादत दे के बाकी सारे कश्मीरियों की जान बचाई तो उनको खराज अकीदत हम यहाँ पेश करने आए।